नमस्कार, हम लोग NSC की ओर से अशोक रावत साहब की टीम में है। हम लोग पेंशन वाले सब पूरे इंडिया के 19 करोड़ लोग को पेंशन में अन्याय कर रही है। जो सरकार 1000 रुपये से 1100 रुपये एवरेज पेंशन दे रही है हमको, हालांकि हम लोग बहुत तकलीफ, 8 साल से ये आंदोलन चल रहा है। आज दिल्ली में हमारी NSC की कमेटी आ गई है पूरी, तो कमेटी की मीटिंग चल रही है और हम आगे आगे अभी चुनाव के टाइम पे जो जो कदम उठाने हैं वो डिसीजन कमेटी लेगी, कोर्ट कमेटी पूरी। और अशोक रावत साहब और वीरेंद्र साहब और पूरी टीम, हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं सरकार के साथ में पेंशन बढ़ाने के लिए, इसलिए आज दिल्ली में इकट्ठे हुए हम। सर, ये सरकार दे क्यों नहीं रही है पेंशन? आप लोगों ने कोई गलती कर दी क्या? आप लोगों के पैसे सरकार के पास नहीं है क्या? सरकार के पास पैसे है, चाहे देना नहीं है। बीजेपी की सरकार है 14 से, पूरा जो भी अभी नेता लोग, सवाल खड़ा होता है जब भाजपा की सरकार आ रही थी, उन्होंने बोला था कि हमारे चुनाव का मेन एजेंडा रहेगा 95 को पेंशन बढ़ाने के लिए। हमारे को मोदी भूल गई। मोदी साहब ने 2 बार आश्वासन दिया, आपका काम चल रहा है, तेजी से कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव जी है श्रम मंत्री जो है, वो सब लोग ने हमें आश्वासन नहीं दिया, 1 रुपया भी बढ़ाया नहीं पेंशन के लिए। काम चालू है, ऐसे ही हमको परेशान हो रही है सब पब्लिक। जो पार्लियामेंट के चुनाव आने वाले हैं उसमें भी आप खड़े हो रहे हैं क्या? हाँ, जामनगर से मेरी उम्मीदवारी एंटर करने वाला हूँ। अच्छा, चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ेंगे। तो सत्ताधारी पार्टी को हराने की पूरी कोशिश करेंगे? हाँ, पूरी हमें NSC की हमारी पूरी टीम, पूरी जितने भी हमारे पेंशन वाले लोग हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं किसी पार्टी के साथ? निर्दलीय पार्टी के सिंबल पे तो कांग्रेस भाजपा के फिक्स हो गए वहाँ पे, तो हमको टिकट देने का कोई लेने का कोई उनको इच्छा ही नहीं होती। तो आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हो वहाँ पे आप EPS की संख्या कितनी होगी? वहाँ पे EPS की संख्या हमारी 1.5 लाख करीब पेंशनार्थी होंगे, देवभूमि द्वारिका और जामनगर जिला, वो दोनों का सांसद एक है। तो 2.5 लाख लोग को आप 4 से 5 से गुणा कर लो, उतने पेंशनार्थी के वोटर रहेंगे हमारे। लगन आप हरा पाओगे सामने वाली पार्टी को? मेहनत करेंगी पूरी 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 टीम हमारी NSC की मेहनत करेगी। आप सत्ता हथियाने के लिए लड़ रहे हैं या सामने वाली पार्टी? न्याय दिलवाने के लिए, पेंशनार्थी को न्याय दिलवाने के लिए। हमारा जो भी कामदार लोग है, किसान लोग है, सांसद की पूरी जिम्मेदारी होती है जिले की। सांसद को उसका प्रश्न दिल्ली तक पहुंचाने का है, और कुछ खुद को भी पावर होता है कि भाई सुविधा कैसे मिली जाए पब्लिक को। 95 पेंशनरों को देश भर में हैं, करोड़ों हैं, उनको क्या संदेश देंगे? बस हमारे ये चुनाव के अंदर ये सत्ताधारी पार्टी को आप लोग निकालो और अच्छे अच्छे सांसद को चुन के भेजो, और पूरी बॉडी जो बने वो न्याय करे सब पब्लिक के ऊपर। छोटा सा सवाल बनता है, कुछ पेंशनर भी हैं जो कहते हैं कि सरकार सुन नहीं रही है, कांग्रेस ने भी लूटा लेकिन फिर भी देंगे भाजपा को वोट, इसको क्या लग रहा है कि जो पेंशनर वहाँ आपको वोट देंगे? वो पेंशनर को सोचना है, और पेंशनर का काम करेंगे, जो पेंशन वाले का काम करेगा वही देश में राज करेगा, ऐसा नारा है हमारा। ऐसा तो नहीं ना कि सत्ता पाने के बाद आप भी पेंशनरों के साथ? नहीं नहीं, ऐसा भगवान हमको बुद्धि नहीं सुझाएगा, हमको पूरा भरोसा है हमारे पे। अच्छा, हम पब्लिक के काम करेंगे। तो रावत जी आपके क्षेत्र में आएंगे चुनाव से रिलेटेड वोट मांगने? हाँ, प्रचार में पूरी टीम आएगी, देवभूमि द्वारिका जामनगर पूरी टीम आएगी। मेरे हो जाएगी सीट आपकी? नहीं नहीं, हम मेहनत करेंगे पूरे एम्प्लॉयज को। आज कामदार को कितनी तकलीफ है, उद्योग में से कभी भी निकाल सकते हैं उसको, नौकरी से रात को 10 बजे ड्यूटी जाने वाला है, बोला आपका गेट बंद। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र, उन्होंने EPFO पे दबाव डाला, तो आपको लगता है कि आपके सांसद बन जाने के बाद से ऊपर से दबाव ही नहीं आएगा कि काम को बढ़ाना है, फिर क्या करिएगा फिर? नहीं नहीं, ऊपर से तो बाद में बॉडी चेंज हो जाएगी, मंत्रिमंडल चेंज हो जाएगा पूरा, फिर जो अपनी आवाज़, अभी तो पूरी उनकी तानाशाही चल रही है बीजेपी। अकेले सांसद अगर आप जीत भी जाइएगा तो क्या करिए, क्योंकि 400 पार का नारा और भाजपा ने लगा रखा है? नहीं नहीं, वो तो आगे की चीज़ें देखी जाएगी जो भी होगी, अभी तो वो बता रहे 400 पार, 4 भी सीट नहीं आवे अगर पब्लिक वोटिंग नहीं करेगी तो। अभी तो वो बता रहे सब, इतना घोटाले चल रहे ये 95 कर्मचारी आज तक डिसिप्लिन में अपना संघर्ष की लड़ाई 10-12 साल से लड़ रहे हैं, अब क्या डिसिप्लिन तोड़ने वाले हैं क्या? नहीं, हम 60 साल के ऊपर के सब लोग हैं, हम तोड़ फोड़ कुछ नहीं करेंगे। सरकार का नुकसान भी कुछ आज तक नहीं किया है और आगे भी नहीं करेंगे कुछ। हम हमारी जो मांग है, न्यायिक मांग है,
तो हम तो जाके उनको कागज़ दे सकते, आवेदन पत्र दे सकते, कलेक्टर को, पीएफ कमिश्नर को, सांसद लोगों को। तो हम तो न्याय की लड़ाई मांग रहे हैं कि हमारा पेंशन बढ़ाया जाए महंगाई के ज़माने में। चुनाव लड़ना ही समाधान है कि 95 नहीं, अभी ये लोग जो सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी का है उनसे आप लोग मुलाकात क्यों नहीं करते हैं? नहीं नहीं, राहुल गांधी का मैटर अलग है, हमारा मैटर ईपीएफ 95 वालों को, कोई पार्टी ने हमको सपोर्ट नहीं किया ना आज तक, जब भी तो 8 साल से ही हमारा आंदोलन चल रहा है ना, तो इलेक्शन के टाइम अभी हमारे पास कुछ ये नए रास्ते है कि भाई आप उम्मीदवारी नोंदा दो उसमें। मी एनएससी मध्ये सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष आहे, महाराष्ट्रामध्ये सोलापूर जिल्हा अध्यक्ष आहे, आणि आमच्या सोलापूर मध्ये लक्ष्मी विष्णू मिल, ज्या मिल, श्रीराम मिल किंवा इतर साखर कारखाने, एसटी महामंडळ, एमएसईबीचे खूप कामगार आहेत आणि त्यांच्यावर खूप अन्याय होत आहे, तर तो अन्याय दूर करण्यासाठी मी त्या लोकांच्या तळागाळातून काम करत आहे। माझ्याकडे मी बचत गटाचीही कामं करते, इमारत बांधकाम कामगार म्हणून एक आपल्या इथं आयुक्त कार्यालय आहे सोलापूरमध्ये, त्या सोलापूरमध्येही मी त्या कामगारांचे खूप काम करत आहे आणि त्या माध्यमातून मी सोलापूरमध्ये सर्वांच्या परिचयात आहे। मला आमच्या संघटनेने एक पुढे जाण्यासाठी आणि कामगारांचं नेतृत्व करण्यासाठी संसदेत जाण्याची संधी दिली आहे, त्या संधीचं मी सोनं केल्याशिवाय राहणार नाही। हमारे आदरणीय राऊत साहब के नाम, उनके साथ हम वहां जाएंगे, हमारे सो खर्च से हम अपनी रोटी बांध के उनके घर जाएंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। जहां जहां हमारी सभा लगेगी वहां हम सब पेंशनर जमा करके उनको सपोर्ट का साथ देंगे और उन्हें चुनाव में जीत कर ही वापस आएंगे। हाँ, पूरा भरोसा है, क्यों नहीं, हमने क्या चोरी की है? हमारे पैसे हम मांग रहे हैं और सरकार नहीं दे रहे हैं तो हमें गुस्सा नहीं आएगा? तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम क्या चाहते हैं कि सरकार को तकलीफ ना देने की हमारी मनीषा थी, पर कब तक, जब तक वोट देने का टाइम नहीं आता वो तक हम कुछ नहीं करेंगे। पर जो बार वोट देने का टाइम आएगा वो हमारा दिमाग काम करेगा, वो टाइम हम खुद किसको बताते नहीं, हमारा दिमाग जो बोलेगा उस टाइम हम वही काम करेंगे। इनके लिए क्या कहेंगे आप लोग? ये हमारी बहन है, हम आज समझते हैं हमारी बहन है और ये चुनाव लड़ रही है ना, तो हम सब साथी उनके साथ रहेंगे। इनकी सभा, इनको भाषण नहीं आएंगे तो हम खुद भाषण करेंगे और उसको चुनाव में जीत के ही रहेंगे।